जैसे ही डेथ होगी, मिसहैपनिंग होगी, लमसम पैसा मिलेगा। दूसरा, जो बाकी प्रीमियम आपके बचे हुए हैं वो आगे की प्रीमियम कंपनी पे करेगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और तीसरा, यानी कि ये हो गया वेवर ऑफ प्रीमियम। और तीसरा जो कि सबसे यूनिक है, रेस्ट रिमेन प्रीमियम, रिमेन बेनिफिट्स विल बी द सेम, यानी कि कंटिन्यूटी बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल आपका। अगर उस पॉलिसी में मनी बैक आता है तो वो भी मिलता रहेगा, उस पॉलिसी में मेच्योरिटी आएगी तो वो भी मिलेगी, क्योंकि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो गई। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ समझा देता हूं, आपको बहुत पावरफुल वर्किंग समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, टाटा एआई ने बहुत ही जबरदस्त रिवोल्यूशनरी राइडर पेश किए हैं, जो कि चार प्रोडक्ट्स के अंदर टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बहुत ही यूनिक और जबरदस्त वर्किंग लेके आए हैं टाटा एआई। ये इसकी कंप्लीट वर्किंग आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, पिछले 28 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, लोगों को जनरली गाइड करता हूं। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और मैं आपको बताने वाला हूं BPR के बारे में, एक जबरदस्त वर्किंग है जिसका पूरा नाम है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। और ऐसा शानदार राइडर कंपनी ने चार प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च किया है, जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा रहा है, धमाल मचा रहा है। और बहुत सारे लोग जिनको भी लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट कम था, उन सभी लोगों का इंटरेस्ट दोबारा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि BPR आने से, BPR डालने से, BPR का राइडर लेने से आपकी पॉलिसी सुपर डुपर जबरदस्त हिट हो जाती है। इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, तो जल्दी से बिना देर किए इस प्लान के बारे में समझा देता हूं, इस राइडर के बारे में समझा देता हूं। ये राइडर अलग अलग प्लान में कैसे कैसे काम करेगा, एक एक करके पहले BPR की फुल फॉर्म बता देता हूं, बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। इसमें तीन चीजें मिलने वाली है। नंबर वन मिलेगा, राइडर का एक एडवांस फीचर है, और साथ में दो चीजें एडिशनल मिलेंगी। आगे का प्रीमियम आपका पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रहेगा। जब भी PPT के दौरान डेथ हो जाती थी, तो जनरली बाकी सभी प्लान्स के अंदर या सभी कंपनीज के प्लान के अंदर होता क्या है, सम एश्योर्ड मिल जाता है, पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन यहां पर पॉलिसी कंटिन्यू रहने वाली है। सम एश्योर्ड मिलने के बाद भी यहां पर कंपनी आपको एडिशनल पैसा देने वाली है। पहला फीचर मिलेगा, जैसे ही डेथ होगी, मिसहैपनिंग होगी, लमसम पैसा मिलेगा। दूसरा, जो बाकी प्रीमियम आपके बचे हुए हैं वो आगे की प्रीमियम कंपनी पे करेगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। और तीसरा, यानी कि ये हो गया वेवर ऑफ प्रीमियम। और तीसरा जो कि सबसे यूनिक है, रेस्ट रिमेन प्रीमियम, रिमेन बेनिफिट्स विल बी द सेम, यानी कि कंटिन्यूटी बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल आपका। अगर उस पॉलिसी में मनी बैक आता है तो वो भी मिलता रहेगा, उस पॉलिसी में मेच्योरिटी आएगी तो वो भी मिलेगी, क्योंकि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो गई। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ समझा देता हूं, आपको बहुत पावरफुल वर्किंग समझ में आएगी। ये चार कौन से प्लान है जिसके अंदर BPR एप्लीकेबल है। नंबर वन FG सुप्रीम, फॉर्चून गारंटी सुप्रीम, फॉर्चून गारंटी प्लस। नंबर थ्री SIP अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और नंबर फोर ग्रिप गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। ये चारों प्लान के अंदर BPR का राइडर एप्लीकेबल हो गया है। और पहले एक एक करके जल्दी से चारों के बारे में बता देता हूं। फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के बारे में बता रहा हूं, यहां पर देखने समझने की जरूरत है, ये प्लान कैसे काम करता है, ये राइडर कैसे काम करता है, जिसका प्रीमियम बहुत कम जाता है, बहुत कम वर्किंग जाती है। फटाफट से मान लीजिए प्लान है 1,00,000 रुपए करके, 12 साल का प्रीमियम है, PPT है, और उसमें 5 साल का डेफरमेंट है, और 18वें साल से इनकम आनी है 30 साल के लिए, और मैच्योरिटी पर जो पैसा दिया है वो 1,00,000 रुपए करके 12 साल में आपको पैसा मिलेगा। ये प्रीमियम 1,00,000 रुपए के हिसाब से, तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो इंश्योरेंस कवर रहेगा करीबन 11-12 गुना का रहेगा, 12.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है फॉर एग्जाम्पल, या 10.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। अगर BPR की बात करेंगे, और PPT के दौरान या डेफरमेंट के दौरान कभी भी डेथ हो जाती थी तो वहीं पर पॉलिसी बंद हो जाती थी, जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड मिल जाता था और प्लान बंद। जैसे ही BPR राइडर को आप इसमें इंटैक्ट करते हैं, तो इतना जबरदस्त चेंज आ गया है। मान लीजिए पहले साल 1 साल प्रीमियम देने के बाद ही उस पर्सन की डेथ हो गई, तो जो सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 12 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 12 लाख रुपए नॉमिनी को उसी टाइम मिल जाएगा। ये पहला बड़ा बेनिफिट। दूसरा बड़ा बेनिफिट, आपका प्रीमियम वेवर हो जाएगा, आगे की प्रीमियम कंपनी भरेगी, आपको नहीं भरने।
तीसरा बेनिफिट जो 18वें साल से इनकम आनी है वो इनकम आपको पूरे 30 साल तक आएगी, और इतना ही नहीं जो आपको 12 साल प्रीमियम भरा था एट द टाइम मैच्योरिटी वो मैच्योरिटी भी मिलेगी, 12 लाख रुपए मैच्योरिटी पर भी मिलेंगे। अमेजिंग अमेजिंग वर्किंग है। मेरे पास एक इलस्ट्रेशन सामने है, अगर ये प्रीमियम 5 लाख रुपए का है और 5-5 लाख करके आपने 12 साल का पीपीटी लिया है और 5 साल का डेफरमेंट लिया है और 18वें साल से इनकम आनी है, तो उसमें अगर 7वें साल में डेथ होती है तो यहाँ पर 57,50,000 रुपीज एज ए डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को मिल जाएगा। ये पहला बड़ा बेनिफिट। आगे के प्रीमियम जो 5 साल बचे हैं उसके प्रीमियम कंपनी भरेगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और 18वें साल से जो इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी फैमिली को 8,01,060 रुपए अगले 30 साल तक फैमिली को मिलेगी। इतना ही नहीं मेच्योरिटी पर 60 लाख रुपए भी मिलेगा। ये बीपीआर का जबरदस्त बहुत शानदार बेनिफिट है, और यही सेम बीपीआर बाकी तीनों ऑप्शन में भी लगेगा, बाकी तीनों प्लान में भी लगेगा, ग्रिप में भी लगेगा, एसआईपी में भी लगेगा और सुप्रीम में भी लगेगा। पीपीटी के दौरान या डेफरमेंट के दौरान जब भी कोई भी डेथ होगी तो ये पॉलिसी ऐसे काम करेगी। आपके लिए बहुत ही पावरफुल जबरदस्त वर्किंग है। जो लोग भी इस बीपीआर के बारे में समझ गए हैं अपने सभी कस्टमर्स को समझाइए, और जिन लोगों के पास पॉलिसी में बीपीआर नहीं है लेने से पहले एक बार हमसे कंसल्ट करें, बात करें। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।